जिलों में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन दोनों कटघोरा क्षेत्र के वन मंडल पर 40 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जहां 24 घंटे में 2 की मौत और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। कटघोरा वन मंडल के एकमानगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गिदमुड़ी स्थित है। इस पंचायत के आश्रित ग्राम छवियामा में सरपंच वीर सिंह मंझवान निवास करता है। उसने घर के समीप ही बाड़ी के मक्के की फसल लगाया हुआ है, जिसे प्रतिदिन जंगली सुअर भालू अपना निवाला बनाते आ रहे हैं। रात करीब 1 बजे उसे बाड़ी में वन्य प्राणी की आहट सुनाई दी। वह अपने छोटे भाई जलाल के साथ बाड़ी पहुंचा। दोनों भाई बाड़ी में पहुंचने के बाद अलग अलग दिशा में चले गए। सरपंच वीर सिंह बाड़ी के भीतर पहुंचा तो उसका सामना लोनर हाथी से हुआ। इस दौरान वो जान बचाकर भागने लगा और उसे हाथी ने अपने सूंड में लेकर पटक दिया। वहीं दूसरी घटना एकमानगर के ही ग्राम छापर में भी हुआ, जहां धन सिंह यादव को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। धन सिंह की माने तो भगवान गणेश के प्रति ग्रामीण का विश्वास कहे या संजोग कि उसे हाथी ने सूंड से उठाकर घर के आंगन में फेंक दिया। वह हाथ जोड़कर करीब 20 मिनट तक पड़ा रहा। लोनर हाथी थोड़ी देर के बाद बाहर से ही जंगल की ओर लौट गया। वन अफसर गांव के आसपास हाथी के पहुंचने पर मुनादी कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ग्रामीणों को आरोप है कि वन मंडल की इसे सूचना दिए जाने के बावजूद भी वो अपने रेस्क्यू टीम कर हाथियों को जंगल की ओर नहीं खड़े थे, जिसे ग्रामीणों में भय का माहौल है। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज यादव।